सामने उपस्थित हूँ फिर एक नई और एक अनोखी और एक अद्भुत और एक रोचक जानकारी के साथ, एक ऐसी जानकारी के साथ जिस जानकारी को कई मुखों द्वारा, कई साधकों, कई पावाओं, कई ओझाओं, कई तांत्रिकों, कई आम नागरिकों, कई अच्छे सच्चे व्यक्तियों द्वारा ये जानकारी पहले भी बांटी गई है, फैली हुई है। मैं नहीं जानता कितनी सही है कितनी गलत है, मैं सिर्फ अपनी रिसर्च जानता हूँ कि मेरी रिसर्च कहाँ तक पहुँच रही है। दूसरे की रिसर्च या दूसरे की जानकारी पे मैं एलोकेशन नहीं लगाऊंगा, लेकिन वो निर्णय आपका होगा कि वो कितनी सही है और कितनी गलत है। तो आज हम बात करेंगे अमरोही वाले मीरा के बारे में, अमरोही वाले मीरा के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि मौसम बड़ा अच्छा है, चाय का समय हो चुका है, तो चाय पीते पीते इस बारे में बात करेंगे, आप भी चाय पीजिए मेरे साथ साथ। तो सबसे पहले मैं कहूंगा दोस्तों मीरा कौन? एक मीरा कृष्ण दिवानी, एक मीरा पहलवान, एक मीरा बाबा, एक मीरा को कहते हैं मियां साहब। आखिर इनमें अंतर क्या है? सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता है दोस्तों कि मीरा, हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस मीरा की बात कर रहे हैं, आज जिस मीरा की बात करने के लिए हम यहां उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम उस मीरा के लिए उपस्थित नहीं हुए जो मीरा कृष्ण की दीवानी थी। हम बात कर रहे हैं उस मीरा की जिन्हें अमरोहा क्षेत्र में जिनकी दरगाह बनी हुई है, अमरोहा क्षेत्र में जिनका स्थान है, अमरोहा क्षेत्र वाले, अमरोहे वाले मीरा साहब, मीरा पहलवान, मियाँ बाबा के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न तो दोस्तों ये उठता है कि अमरोहे वाले मीरा हिंदू है या मुसलमान, क्योंकि इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही मानते हैं, सभी जातियां कहूँ तो सभी जातियां मानती हैं, सभी जातियां मानती हैं। आखिर ये है कौन? जिस समय ये थे वो हिंदू थे या मुसलमान, और क्या कारण है कि वो सभी दोनों ही धर्म के लोग इन्हें मानते हैं, सभी धर्मों के लोग इन्हें मानते हैं, इन पर विश्वास रखते हैं, इन पर अपनी आस्था रखते हैं। इसके साथ साथ एक दूसरा प्रश्न भी उठता है, कहीं तो इनकी समाधि बनी हुई है, कहीं इनका एक आला रूपी स्थान बना हुआ है कि आला बना दिया वहां चिरागी होती है, और कहीं इनका धूना बनाया हुआ है। धूना, अगर धूने से हम बात करें तो आला और समाधि दोनों ही मुस्लिम धर्म का प्रतीक है, दोनों में बनाए जा सकते हैं, परंतु यदि धूने का हम जिक्र करते हैं और कहीं भी हम इसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं तो मुस्लिम धर्म में धूना नहीं बनाया गया। आखिर क्या कारण है जो अमरोही वाले मीरा के स्थान पर धूना रूपी स्थान उपस्थित है? उस धूना रूपी स्थान पर ही माथा टेका जाता है और कहा जाता है यह स्थान बाबा मीरा साहब, मीरा पहलवान, मियां बाबा। कुछ लोग इन्हें मीठे पुओं पर पूजते हैं, कुछ लोग इन्हें बकरे की भेंट भी देते हैं, कुछ लोग इनके नाम पर मुर्गा भी चढ़ाते हैं, कुछ जिंदा छोड़ देते हैं, कुछ बलि देकर छोड़ते हैं, और कहते हैं इनके साथ जो इनके भांजे हैं जिन्हें जैनका जी कहते हैं, मुर्गा उनके नाम का लगता है, मुर्गे की भेंट उनकी मानी जाती है। तो बकरे की भेंट किसकी है? अगर मुर्गे की भेंट उनकी मानी जाती है तो बकरे की भेंट किसकी है? और जो लोग इन्हें मीठे पुओ द्वारा पूछते हैं, मीठे पूड़े, वो मीठे पूड़े किसके हैं? वास्तविकता में अमरोही वाले मीरा ने पूड़ों का भोग लिया, बकरे का भोग लिया, आखिर लिया तो क्या लिया? और जो जैनका जी और मीरा साहब के बीच में काली का जो स्थान है उसका क्या कारण है? और जब उस पार जैनका जी बैठे हैं उनके नाम पे वो मुर्गा लेते हैं तो मीरा साहब के साथ में काली का क्या लगाया जाता है, काली का क्या भोग दिया जाता है, काली को क्या अर्पण किया जाता है? यदि आपके पास इसकी जानकारी है तो अवश्य दें, ताकि हमें भी यह पता चल सके कि समाज के अंदर कितनी सही और सच्ची जानकारी फैली हुई है, यह वाक्य में सिर्फ एक भ्रमित करने का ही कारोबार फैला हुआ है कि सिर्फ लोगों को भ्रमित करते रहो, भ्रमित करते रहो, भ्रमित करते रहो। जिस समय कहते हैं कि मीरा साहब की सेवा कोई सेवादार किया करता है, इन्हें प्रसन्न करने के लिए, इन्हें रुजू करने के लिए, इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए,
तो बिल्कुल साफ सुथरी और एकदम सफाई पूर्वक, जिसे कह सकते हैं बिल्कुल पाक साफ रहते हुए उनकी साधना की जाती है, उपासना की जाती है। गंदगी का परहेज, झूठ का परहेज, कोई भी अछूती चीज़ से भी दूर रहते हैं कि गंदी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाना। जब हर चीज़ से दूर रहकर ये सारे काम किए जाते हैं तो आखिर क्यों क्यों एक जीव की हत्या, क्यों बकरे की बलि? जब कुछ लोग मीठे पूड़े देते हैं और बाबा रिजू है उनसे, तो कुछ लोगों को आखिर बकरे की भेंट देने की जरूरत क्या पड़ी भाइयों? क्यों जरूरत पड़ी बकरे की जान लेने की? किस कारण वैसे बकरे की प्रथा चली मेरा साहब के साथ, क्या कारण है उसका? कुछ लोगों का कहना है कि इनके कभी चार शिष्य हुआ करते थे, जो आज भी इनकी डोली इनकी पालका लेकर चलते हैं। किस जाति से थे वो? आज उन्हें कोई चार जिंद भी कहता है और वो इनका आज भी पालका लेकर चलते हैं। ऐसा क्या किया उन्होंने जो आज भी वो इनका पालका लेकर चलते हैं? क्या कारण है इस बात का? कुछ भक्त कहते हैं कि 152 पीर मेरा साहब की चाकरी करते हैं, यानी उनकी सेवादारी करते हैं, यानी उनके साथ रहते हैं, यानी जैसे एक MLA या एक नेता को कई MLA का समर्थन प्राप्त हो जाता है, इसी तरह से इन्हें 152 पीरों का समर्थन प्राप्त है। अगर इस लैंग्वेज में कहा जाए, ये इनसे समर्थन के मुताबिक यस बिल्कुल ओके कि हम तुम्हारे साथ हैं। कौन है वो 152 पीर? किस नाम से जाने जाते हैं? क्या उनके भी कोई नाम है, उनके कोई स्थान है? और क्या कारण है जिन्हें 152 पीरों ने इनको समर्थन दिया? किस बात के ऊपर इनको साक्षी बनाया गया? कहा उन्होंने अपने आप को उनको बड़ा माना गया? और इसी के मुताबिक हमारे समाज में एक हिस्सा है जिसे धोबी कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा का वास धोबी के घर तो परमानेंट है, वहाँ तो रहती है, वास करते करते हैं। क्यों ऐसा? क्या लीला है उसमें बाबा की या कुदरत की जो वहाँ वास हुआ? और क्यों हिंदू और मुस्लिम दोनों नामों में माना गया, मियाँ बाबा भी और मीरा बाबा भी? ये दोनों नाम कैसे मिले इन्हें? धूने का रहस्य क्या है? अगर ये मुस्लिम है तो समाधि क्यों नहीं, और ये हिंदू है तो मियाँ बाबा को मुस्लिम दरगाह के मुताबिक क्यों? ऐसा कारण क्या है जो दोनों रूपों में? यदि आप ये कारण जानते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स पर आके इस जानकारी को जल्द से जल्द जनहित में दें। कुछ भक्तों ने इस बात को बताते हुए आए भी और सही रूप से बताकर नहीं गए। कोई कहता है 600 साल पुराना इतिहास है, कोई कहता है 700 साल पुराना इतिहास है। इस बात तक तो मैं अभी तक नहीं पहुंच पाया कि कितने सालों पुराना इतिहास है, पर इतना जरूर कहूंगा दोस्तों कि आज का कोई मामूली इतिहास नहीं है, ये काफ़ी पुराना इतिहास है और एक जानदार इतिहास है, वाकई में एक इतिहास है जिसे याद रखना चाहिए, जिसे समाज के सामने बार बार लाना चाहिए कि ऐसा इतिहास है। क्योंकि धरती पर एक चमत्कार रूपी ऐसा इतिहास है ये, जिसको छुपाया नहीं जा सकता। कोई से अमरोही वाला कहता है, कोई से अतरौली वाला कहता है, कोई से जलेश्वर वाला कहता है, कोई से अजमेर वाला कहता है। आखिर इसका मुख्य स्थान है कहाँ? वो जगह कहाँ है जहाँ मीरा की लीला हुई, जहाँ मीरा का बचपन बीता, जहाँ मीरा ने अपने आप को इस लायक बनाया कि आज उसे मीरा बाबा, मीरा पहलवान, मीरा साहब और मियाँ सेठ के नाम से भी लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। जल्द से जल्द मैं आपके प्रश्नों के जो पूछे हैं मैंने उनके उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप मुझे उसका उत्तर दें, ताकि इस विषय में हम आगे जल्दी चल सकें और इस जानकारी को आगे बढ़ा सकें। तो मेरे साथ बने रहिए, अपने सुझाव मुझे भेजते रहें। इसी के साथ सृष्टि समय के साथ मैं जितेंद्र बंसल अपनी वाणी को बुलाता हूँ।